नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली में 669 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी में बुधवार को 93 नए केस मिले हैं। कोरोना के 35 मरीज आईसीयू में हैं और 8 वेंटिलेटर पर हैं। यहां बुधवार को संक्रमण के 20 हॉटस्पॉट करके सील कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर हर तरह की मूवमेंट पर पाबंदी लगाई गई है। एक एएसआई पॉजिटिव मिला है, उन्हें इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एएसआई के परिवार को क्वारंटाइन करने के साथ ही कॉलोनी में लॉकडाउन की सख्ती बढ़ा दी गई है। उधर एलजी अनिल बेजन ने लोगों से अपील की है कि वो शबे बारात पर घरों से ना निकले और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए घरों में रहकर ही दुआ करें। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कुल 1135 लोग संक्रमित पाए गए हैं। यहां बुधवार को 117 और पॉजिटिव केस मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर 1135 हो चुकी है। इनमें 44 मुंबई और 9 पुणे के मामले सामने आए हैं। पुणे में 44 साल के व्यक्ति की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसे डायबिटीज की शिकायत भी थी। नागपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो एक मस्जिद में ही ठहरे थे। सभी को यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। और दूसरी ओर मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने घटिया क्वालिटी के पीपीई किट दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मुंबई में पूरे राज्यों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। अब पुलिस इनकी निगरानी कर रही है। मध्य प्रदेश में 341 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में बुधवार को 51 नए संक्रमित मिले हैं। अब इंदौर में 173 संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत 15 जिले सील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा कवर कराने का ऐलान किया है। गुजरात में कुल 186 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को 4 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से जामनगर में 14 महीने के बच्चे की मंगलवार को मौत हो गई। कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए अब टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सेनाओं का कामकाज जारी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों में बुखार आना भी शामिल है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।